हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हम बहुत सारे मेडिसिन की रिव्यू कर चुके हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, तो आप चाहो तो सब कुछ देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जा करके उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, नाम के अकॉर्डिंगली। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने वाला हूं वो है टैक्सिम और इसको बनाने वाली कंपनी है एल्केम। ये टैक्सिम इसका ब्रांड नेम है, इसको बताओगे तो मेडिकल स्टोर वाले आपको डिस्पेंस कर देंगे, बट एक्चुअली में ये टैक्सिम काम नहीं करता। इस टैक्सिम के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एंटिटी है, वो काम करता है। और वो क्या है? ये है आपका सेफोटैक्सिम सोडियम। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। जब आपके शरीर में, नाक में, गले में, थ्रोट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जेनिटल ट्रैक में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इस तरह के इंफेक्शन हो सकते हैं, नॉट लिमिटेड कि यही हो और भी हो सकते हैं, तो आपको उस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए इस तरह के एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ती है। ये एंटीबायोटिक जो मैंने आपको बताया सेफोटैक्सिम, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सेल वॉल यानी कि सेल का दीवाल मतलब एक ऐसा आवरण, एक ऐसा घेरा जो बैक्टीरिया के सेल को बचा रहा होगा। अब यहां पे दो चीजें समझिएगा, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ जाएंगे। दो व्यक्ति यहां पे इन्वॉल्व हैं, एक रियल व्यक्ति यानी कि आप या तो मैं जिसको इंफेक्शन हुआ है, और दूसरा जिसको हमने व्यक्ति की संज्ञा दी है यानी कि बैक्टीरिया जो कि आपके बॉडी में बढ़िया से आना पीना खाकर ग्रो कर रहा है। अब यह चीज याद रखिए कि जब जब बैक्टीरिया के लिए अच्छा होते जाएगा, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलते जाएगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ग्रोथ होता जाएगा, उतनी ही प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। मतलब उसका प्रॉब्लम, उसका बेनिफिट बढ़ेगा और आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो आपको सरवाइव करना है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, उसके कई अलग अलग तरीके होते हैं। या तो हम उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, या तो उसके सेल वॉल में लीकेज कॉज करा दें मेम्ब्रेन के साथ में, या तो उसके हम प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट कर दें, या तो उसके एंजाइमेटिक रिएक्शन को बंद कर दें, या फिर हम उसके अंदर कोई ऐसा चेंजेस कर दें जिससे वो एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस को समझ ना पाए, मिस रीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं और कई ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो इन अलग अलग तरीकों में से किसी एक तरीके को या दो तरीके को फॉलो करके अपना एक्शन देते हैं। हमारा आज का जो टैक्सिम ड्रग है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करके वो सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। वो जेनेटिक मटेरियल को चेंज नहीं करता, वो केवल और केवल सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। तो जब सेल वॉल के सिंथेसिस रुक जाएगी तो फिर वो बैक्टीरिया सरवाइव कैसे करेगा? जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा एग्जांपल सेल वॉल के रूप में कि जिस दीवार के बीच में आप रह रहे हो, यानी कि जिस कमरे में आप रह रहे हो उसके चारों तरफ दीवार, ऊपर में छत है, नीचे में बेस है। अगर मैं किसी तरीके से दीवार को तुड़वा दूं, छत हटवा दूं, तो धूप, पानी, मिट्टी, बरसात सबके एक्सपोजर में तो आप आ जाओगे और इससे आपका नुकसान ही होगा ना। तो हम वैसे ही बैक्टीरिया के जो बचाव वाले आवरण है, सेल वॉल है, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ मेडिसिन। इससे वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है उस सेल वॉल को, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको हम बैक्टीरियसिडल कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। इसके कारण से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ रेट वहीं पे बंद हो जाएगी और धीरे धीरे उसका मास खत्म हो जाएगा और आप धीरे धीरे रिकवरी करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक काम करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है सब चीजों को जानना, तो अगर आप सब चीजों को डिटेल से जानना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारा मेन चैनल स्टेशन फार्मेसी। वहां पे चैनल में सब एंटीबायोटिक के बारे में रखे गए हैं, हालांकि वो बच्चों के लिए है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कॉन्सेप्ट ऐसा है, लैंग्वेज ऐसा हमने यूज किया है कि कोई भी साधारण आदमी अगर देखेगा तो समझ में आ जाएगा इसको काम कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।